भाइयों नमस्कार, मैं देवेंद्र शर्मा शहीद स्मारक से। साथियों देखो, संघर्ष लगातार सभी साथी कर रहे हैं। सभी साथी यहाँ पर रात को सर्द हवाओं में अपना समय निकाल रहे हैं। इतने जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हैं, सही मायने में बहुत ही एक हिम्मत है उनकी कि सभी साथियों की हिम्मत है कि वो यहाँ पर रुक रहे हैं, क्योंकि सर्दी में यहाँ पर रात को रुकना बड़ा कोई आसान काम नहीं है। तो आज जो वार्ता, आज जो वीडियो ये बन रही है, वो थोड़ा सा अलग मैटर है, मैं उसको समझा देता हूँ। कुछ साथी हैं जिन्होंने 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, 50-50 हज़ार के ग्रुप बना रखे हैं और ग्रुप बनाकर वहाँ पर चैटिंग करते रहते हैं, और चैटिंग में पर कुछ नहीं चलता, बस दिन भर बस डिस्कस चलता रहता कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है। उनमें से मुश्किल 2% लड़के होंगे जो यहाँ धरना स्थल पर हैं। अब काफ़ी बातें ऐसे भी सुनने को मिलती हैं कि सर यहाँ पे कोई जिम्मेदारी लेने वाला है क्या? भाई लड़कियों का तो हमें पता है, ठीक है, लड़कियों की दिक्कत होती है तो लड़कियों के लिए तो पूरी व्यवस्था यहाँ पे कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो लड़के हैं वो भी कुछ पूछते हैं, भाई क्या है व्यवस्था, कैसे है, क्यों है। तो उनको बता देता हूँ कि नेता नहीं है अब यहाँ पे कोई, सब लड़के मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तो किसी से भी ये ना पूछे कि क्या है क्या नहीं है। भैया देखो, खाने पीने की व्यवस्था हो रही है सबकी, रहने के लिए यहाँ पे रजाई गद्दे हैं ही सबके पास, बाकी आपकी कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं है। आप सोच रहे हो कि कहीं से कोई स्पेशल आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाएगा, या फिर कोई अलग से रूम बुक करवाया जाएगा, या फिर क्योंकि यहाँ पर आप बारात में तो आ नहीं रहे हो किसी की में, यहाँ पे अपना 50,000 करवाने के लिए आ रहे हो। और दूसरी बात, यहाँ पे कोई ऐसा है तो है नहीं कोई नेता बैठा हो आपके लिए जिसको आपको वोट देना हो, तो वो आपके प्रेशर में आएगा, तो हम प्रेशर में तो आने वाले हैं नहीं किसी भी तरीके से। आओ तो आओ, ना आओ तो मत आओ, घर रहो अपने मज़े से। लेकिन जो ये फालतू की बातें करते हो ना, ये मत किया करो। यहाँ पे कोई ठेका नहीं ले रखा तुम्हारा किसी ने कि तुम्हारे लिए पूरी जिम्मेदारी दे, तुम्हारे लिए ये करे वो करे। भाई कोई नौकर नहीं लग रहा तुम्हारा यहाँ पर, ठीक है? आना है तो आ जाओ, नहीं आओ तो घर बैठो अपने। फालतू के मैसेज मत किया करो ग्रुप में। अरे मतलब यार, कुछ लोग इतने इरिटेट कर देते हैं फालतू के मैसेज करके, ये हो सकता है क्या, वो हो सकता है क्या, ये व्यवस्था है क्या, वो व्यवस्था है। कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, खुले में पड़े रहते हैं और भूखे रोते हैं यहाँ पे। अब तुम्हें बताओ आना कि नहीं आना। व्यवस्थाएं और ये वो फलाना ढिकाना, मतलब परेशान कर दिया है लोगों ने मैसेज कर करके। अरे लड़कियों का समझ में आता है, उनकी परेशानी है, लड़के भी आ जाए तो सही भाई। अरे भाई, और दूसरे लोग, उन लोगों को मैं बात कहना चाहता हूँ जिन लोगों को फोन पे इन्फॉर्मेशन चाहिए, शर्म कर लो थोड़ी सी। ये रात रात भर कॉल करते हो ना तुम, दूसरा आदमी जो काम कर रहा है उसे काम वो नहीं करने देते, उसे काम भी नहीं करने देते जो दिन भर यहाँ पे काम कर रहा है। जब 5 दिन यहाँ पे रोकोगे ना, और जब नाम लिखेगा पुलिस आयुक्तालय में, तो पता चल जाएगा कि एक दिन में ही होश उड़ जाएंगे सबके सब। वहाँ से फालतू की बातें करते हैं, दूसरा आदमी यहाँ पे प्रेशर में आ रहा है, उसके पास पहले ही इतने सारे काम है। और जो भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको मैसेज मत किया करो तुम लोग जी।